दो साल की उम्र में इस ए पेशेंट की आंख में डैमेज हुई थी, उसके बाद ये काफी लंबे समय तक कोई आई नहीं पहने। 2015 में इनकी आंख हमारे सेंटर पे ही बनी थी, अभी 2019 चल रहा है, काफी लंबे समय से वो उसी आई को पहने हैं। अब क्योंकि शुरुआत से मैंने शायद ये बात आपको किसी एक वीडियो में बताई थी, आज फिर एक बार बता दूं, अगर आपने शुरू से राइट आई नहीं पहनी है तो इवेंचुअली क्या होता है, जब आप कस्टमाइज आई बनवाते हो बिल्कुल एक जैसी नहीं बनती, हल्की फुल्की उसमें डिफरेंस रहती है, बाद में हम लोग को उसको मॉडिफाई करना पड़ता है या दोबारा एक बार और नई आई बनानी पड़ती है दोनों आई को मैच करने के लिए। तो 2015 में इस पेशेंट की आंख बनी थी, आज 2019 से ये पेशेंट फिर से आए हैं, ये एक और अपने लिए आर्टिफिशियल आई बनवाना चाहते हैं क्योंकि बाहर जाके काम करना चाहते हैं, तो ये एक बैकअप आई रखना चाहते हैं। तो आज हम लोग दोबारा इनकी एक आर्टिफिशियल आई बनाए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। क्या हुआ था आपके आंख में? तीर लग गया था। कितने साल के थे आप तब? मैं 2 साल का था। उसके बाद आपने क्या किया? ऑपरेशन करवाया था आंख का जबलपुर में, तीर निकलवाया था, बाकी कुछ नहीं, एक आर्टिफिशियल आई वो मिश्रा डॉक्टर देते थे जबलपुर में, वो लगा देते। तो रेडीमेड आंख लगा देते इतने टाइम? हाँ, रेडीमेड। अच्छा, और फिर आपने बनवा के आंख कितने टाइम पहले पहनी? आपने बनाई थी पहली मेरी आंख जो, कितने? 2015 में। और अभी दोबारा बनी है? हाँ। अच्छा, एक बार निकाल के दिखाइए आंख, आंख खोल के दिखाइए, पूरी पूरी आंख निकाल दी थी। हाँ। इसमें से कीचड़ वीचड़ कुछ आता है? आता है। अच्छा, इससे पहले जो आंख पहने थी वो टूट गई थी आपकी? पहन के दिखाइए, तो काफी पुरानी होगी तो जगह भी चेंज हो गया पूरा। ठीक है, इसको निकालिए, अब वाली पहन के दिखाइए। देखिए कहीं लग रहा है, चुप रहा है, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं, कंफर्टेबल। एक बार आईना में देखिए, पहले से अच्छा दिख रहा है? हाँ। अच्छा हो गया? हाँ ठीक। कोई असुविधा नहीं? नहीं कोई असुविधा, थोड़ा ये यहाँ तिरछा जा रहा था मैं। नहीं, सीधा ही देख रहा, सीधा देखिए, मैं आपको सीधा देख रहा हूँ, सीधा आ रहा है। हाँ, एकदम सीधा आ रहा है।